और बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर पोलिंग बूथ पर पथराव का वीडियो सामने आया है। पथराव के बाद बुलंदशहर पुलिस का दावा पुरानी रंजिश में दिया गया था। घटना को अंजाम और बूथ पर नहीं हुई फायरिंग, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर बूथ पर फायरिंग नहीं हुई, पथराव के बाद बुलंदशहर पुलिस का ये दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर पुरानी रंजिश में दिया गया था घटना को अंजाम। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पोलिंग बूथ पर पथराव का वीडियो सामने आया है। पथराव के बाद बुलंदशहर पुलिस का दावा है कि पथराव नहीं हुआ है। बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, पुरानी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जहां पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर पोलिंग बूथ पर पथराव का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद बुलंदशहर पुलिस ने दावा किया है कि पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया, पथराव नहीं हुआ। बड़ी खबर और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में साजिद सैफी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। साजिद, आपसे पूछना चाहूंगी कि एक वीडियो सामने आया है जिसमें पथराव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, पर पुलिस ने इस वीडियो को खारिज कर दिया है। देखिए गरिमा, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पोलिंग बूथ का नहीं है, बल्कि उस गांव का है, जिस गांव के ही जो बूथ एजेंट थे, एक ही गांव के दो बूथ एजेंट थे, दोनों अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थक रहे, दोनों का झगड़ा होता है पोलिंग बूथ पर, कहा सुनी होती है। और आरोप ऐसा है कि एक प्रत्याशी का जो समर्थक है उस पर ही आरोप है कि पुलिस को बुला लेता है और एक ही पक्ष को पुलिस ले जाती है थाने। जब थाने ले जाती है, पूछताछ के बाद उस पक्ष के समर्थक को भी वापस छोड़ दिया जाता है, जो गठबंधन प्रत्याशी का समर्थक है बूथ एजेंट। जब वो गांव वापस पहुंचता है तो आरोप है कि दूसरे पक्ष की ओर से पथराव किया गया। रात ही ऐसा पीड़ित परिवार की ओर से आरोप लगाया जा रहा था कि पथराव के दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें मेरे बेटे को एक गोली लगी है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि गोली नहीं लगी है, केवल पथराव गांव में हुआ। जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त की तस्वीर है जब गांव में पथराव हुआ। बहुत शुक्रिया आपका साजिद, तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बूथ पर नहीं हुई फायरिंग, इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।